और ख़त्म करने से पहले मैं एक नज़म आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। अहमद नदीम कासमी हमारे एक शायर पाकिस्तान में गुजरे हैं, एक बड़ा एक रिस्पेक्टेबल नेम पोइट्री के हवाले से, लिटरेचर के हवाले से। उन्होंने एक दुआ लिखी थी पाकिस्तान के लिए, और वो मेरी भी दुआ है, आपकी भी दुआ है, और हम सब लोगों की दुआ है कि जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान से प्यार करते हैं, पाकिस्तान उनके दिलों में अभी भी बसता है और हमेशा बसेगा इंशाल्लाह। वो ये था कि खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर, खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए जवाल ना हो, यहाँ जो फूल खिले खिला रहे सदियों, यहाँ खिजा को गुजरने की भी मजाल ना हो, यहाँ जो सब्जा हो गए हमेशा सब्ज रहे, और ऐसा सब्ज कि जिसकी कोई मिसाल ना हो। खुदा करे कि ना खम हो सरे वकारे वतन, खुदा करे कि ना खम हो सरे वकारे वतन, और उसके हुस्न को तश्वीशे माहो साल ना हो, हर एक फर्द हो तहजीब व फन का औजे कमाल, कोई मलूल ना हो कोई खस्ता हाल ना हो। खुदा करे कि मेरे एक भी हम वतन के लिए, एंड दिस इज व्हाट वी स्टैंड फॉर, खुदा करे कि मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो जिंदगी वबाल ना हो, खुदा करे कि मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो जिंदगी वबाल ना हो, खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए जवाल ना हो, आमीन। और बिलीविंग इन द फ्रेज आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर दैट अनदर वर्ल्ड इज पॉसिबल, we continue to call on Pakistan to change all the discriminatory laws including the blasphemy law that have disproportionately targeted religious minorities and all the poor Muslims as well. Thank you very much. Thanks for coming.